आप ही नहीं बल्कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी इस चीज़ के बारे में आपसे पूछती रहेगी। उबलते हुए पानी में इस तरीके से काजू डाल के आधी कटोरी आप उसमें पीनट्स डाल दीजिए। इससे एक बहुत ही खास और बढ़िया चीज़ घर पे बनके तैयार होगी, जिसके बारे में आज से पहले आपने ना तो कभी सुना होगा और ना ही आपने पहले कभी सोचा होगा। इस चीज़ को बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी और यह चीज़ आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगी। इस चीज़ को बनाने के लिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने पानी को उबाल लिया है, उसके बाद हमने इसके अंदर काजू और पीनट्स को डाल दिया है। उसको हमें अच्छे से उबाल लेना होगा, लेकिन आगे की जानकारी मैं आपको दूं उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हमारा यह प्यारा सा वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, आपके प्यारे प्यारे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि दुनिया के कौन से कोने से आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको थैंक्स कर सकूं। हमारे पिछले वीडियो के प्यारे से कमेंट जाते हैं मदन जी को जयपुर से, ज्योति जी को बेंगलुरु से, संजय जी को उत्तर प्रदेश से और मधु जी को जम्मू से। तो आप देख सकते हैं हमने जो है अच्छे से पीनट्स को और काजू को उबाल लिया है, उसके बाद उसे हमें एक प्लेट में निकाल के हल्का थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, और ठंडा करने के बाद इनको हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना होगा। आप देख सकते हैं दरदरा यह ग्राइंड हो चुका है। उसके बाद हमें एक छोटा पैन लेना होगा, पैन के अंदर हमने आधी कटोरी से हल्की सी थोड़ी सी कम चीनी ली है और उसके अंदर एक कटोरी के आसपास हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। पानी को ऐड करने के बाद आपको जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। इसकी हमें एक चाशनी बना लेनी होगी। जैसे ही चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी उसके बाद हमें इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी होगी। जैसे चलिए आइए देख लेते हैं, चीनी एक बार हमने मेल्ट होने के लिए रख दी है साइड में। उसके बाद आपको क्या करना होगा, घी ले लेना होगा। घी लेने के बाद आपको इसके अंदर ऐड कर देना होगा एक छोटी कटोरी के आसपास बेसन। बेसन को ऐड करने के बाद आपको जो है बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेना होगा घी के अंदर, यानी जब तक घी के अंदर बेसन अच्छे से ना भुना जाए तब तक आपको इसी तरीके से स्पैचुला की मदद से इसको घुमाते रहना होगा, ताकि यह नीचे ना चिपके। और जैसे ही बेसन घी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद ये जो हमने पीसा था पीनट्स को और काजू को वो हमें इसके अंदर ऐड कर देना होगा। आपने कभी सोचा नहीं होगा पीनट से और काजू से जो है हम इतनी बढ़िया चीज़ घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। आप आने वाले हर अपनी पीढ़ी को इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि धीरे धीरे आने वाले समय में ऐसी चीज़ें आपको बहुत ही कम मिलने वाली है, देखने को मिलने नहीं वाली है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जो आप मार्केट से लाते हैं वो और भी ज़्यादा आपको मार्केट में देखने को मिलेगी, और घर पर आप इन चीज़ों को बनाना भूल जाएंगे। तब आपको मेरी याद आएगी और ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगी। अब चाशनी को जो है हमें इसके अंदर ऐड कर देना होगा। इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और जैसे ही हमें इसके अंदर चाशनी ऐड कर देंगे हमें इसको जो है वापस से मिक्स कर लेना होगा। मिक्स करने के बाद आपको जैसे ही यह कढ़ाई को छोड़ने ना लग जाए तब तक कंटिन्यू इसी तरीके से स्पैचुला की मदद से जो है वो घुमा लेना होगा। और यह दोस्तों स्वादिष्ट होने के साथ साथ यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। यह छोटे से लेके बड़ा हर कोई इसे खा सकता है। इस तरीके से जैसे ही यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा, कढ़ाई को छोड़ने लग जाएगा, उसके बाद आपको इसके अंदर नारियल का बुरादा भी ऐड कर देना होगा। नारियल हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, काजू भी हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, पीनट्स में प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। ये भी जो हमने इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड की है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हर किसी को इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करना चाहिए, और इसे अगर स्वादिष्ट बना सकता है तो वो दोस्तों आपको हम ही बना के दिखा सकते हैं। जैसे ही इस तरीके से यह कढ़ाई को अच्छे से छोड़ने लग जाएगा, एकदम बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा, गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल ही बंद कर देना होगा, और बंद करने के बाद आपको इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में छोड़ देना होगा। जैसे ही यह ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमें इसके लड्डू बना लेने होंगे। आप चाहें तो इसकी बर्फ़ी, चक्की कुछ भी बना सकते हैं। इस तरीके से जो है हम आपको लड्डू बना के दिखा देते हैं, और एक एक करके इन सभी के लड्डू आप सुबह और शाम दोनों से समय सेवन कीजिए। यह आपके शरीर के लिए और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, और यह खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस भी होगा। अगर आज की हमारी यह खास काजू और पीनट्स की डिलीशियस लड्डू अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें। दुनिया के कौन से कोने से आप हमारी ये वीडियो देखते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। अब मैं चलता हूँ दोस्तों, मुझे दीजिए अलविदा। आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। जाने से पहले आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय
हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।